Breakfast is done. Packed some lunch for the kiddo and some snacks for us. Now let's go. ये है बैटरसी पार्क का मेन गेट, एक्चुअली वन ऑफ द गेट्स, क्योंकि बहुत सारे गेट्स हैं इस पार्क के। और ये बैटरसी रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और हम लोग आके पहुंच गए हैं बैटरसी पार्क, तो चलिए उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है और कैसा है ये पार्क। कैफे भी है, बोटिंग करने के लिए लेक भी है और एक पंप हाउस गैलरी भी है, एक जू भी है और चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। चिल्ड्रंस प्ले एरिया का नाम लिया कि नहीं और हम पहुंच गए यहाँ पे। खेलने के लिए इतने सारे ऑप्शंस के साथ बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये चिल्ड्रन प्ले एरिया में कुछ ही देर खेलने के बाद थोड़ा आगे जाने से हमें दिख गया ये एक बड़ा सा लेक, जहाँ पे आप बोट हायर करके बोटिंग के लिए भी ले जा सकते हैं। क्योंकि हम आके पहुंचे ही 12 बजे, तो इसीलिए कुछ देर घूमने के बाद हमें लग गई भूख, तो यहाँ बैठकर हमने एंजॉय किया हमारा पैक्ड लंच। और लंच के बाद इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द जू। ये जू को एंटर करने के लिए टिकट लेना होता है और वो टिकट में भी ऑप्शन है इंडिविजुअल टिकट लेना है या फिर फैमिली टिकट। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जू के अंदर क्या क्या सब है। समर में ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप लंदन में या फिर इन एंड अराउंड कहीं रहते हैं तो। और अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आप 100% श्योर कि वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे। ये टनल है मेरकट व्यूइंग के लिए। सोम को तो मेरकट देखने से ज्यादा मजा इस टनल के अंदर आने जाने में ही आया। और ये देखिए, मम्मा और बेबी के अंदर हो रहा है कंपटीशन। एंड फाइनली ही ओन। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ एनिमल्स। ये जू में एनिमल्स देखने के अलावा बच्चे खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये रहा एक मॉडल फायर ट्रक फॉर द किड्स। और ये रहे बैगट गोट्स, जो कि ब्रिटेन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोट ब्रीड है। बच्चे खेलने के लिए ये एक मॉडल हेलीकॉप्टर भी है यहाँ। Thank you.
फायर ट्रक और हेलीकॉप्टर के बाद ये रहा पायरेट शिप। पार्क के अंदर एंटर करने के बाद हमने एक चिल्ड्रन प्ले एरिया देखा था और ये जू के अंदर के लिए दूसरा चिल्ड्रन प्ले एरिया। और खेलने के लिए बच्चों को यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि लिटरली चिल्ड्रन विल बी स्पॉइल्ड विद द ऑप्शंस। जू से निकलने से पहले चलिए देख लेते हैं कुछ और मेंबर्स ये जू के। एट लास्ट ये कंगारू को देखने के बाद निकलते हैं अभी इस जू से। जू से निकल के वॉक करते करते हमें दिख गए ये थ्री व्हीलर व्हीकल्स। इसी पार्क के अंदर रेंट पे अवेलेबल है ये व्हीकल सारे। जू से निकल के 3 से 4 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच गए ये लंदन पीस पगोड़ा। और ये रहा लंदन पीस पगोड़ा का अमेजिंग व्यू। बहुत ही काम एंड क्वाइट एंड पीसफुल जगह है ये। तो चलिए इसके चारों तरफ घूम लेते हैं। ये रहा रिवर थेम्स। दिस बैटरसी पार्क इज सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर थेम्स और इस पार्क का एरिया अराउंड 200 एकर्स है। तो बहुत ही बड़ा पार्क है ये। एक दिन में इसे पूरा घूमना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम लोग जितना घूम पाएंगे घूमेंगे। यहाँ आप बैठ के नेचर को एंजॉय कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं एक रिवर साइड वॉक। पीस पगोड़ा और उसके चारों तरफ की ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद हम अभी फिर से वॉक करने लगे। और वॉक करते करते हम पहुंच गए ये एक ब्यूटीफुल सा जगह जिसको बोलते हैं प्लेजर गार्डन। यहाँ पे फाउंटेन्स हैं पर चल नहीं रहा है। ये सिर्फ आज ही बंद है या फिर बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। इस पार्क में आप जब भी आना चाहो मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि
बहुत वॉक करना पड़ेगा पूरा दिन। अभी हमें वॉक करते करते मिल गया एक और चिल्ड्रन प्ले एरिया। रास्ते में चलते चलते अगर एक चिल्ड्रन प्ले एरिया मिल जाए और उसे हम इग्नोर करके आगे निकल जाएं, ये हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसलिए हम पहुंच गए एक और प्ले एरिया में, जो कि आज के दिन का थर्ड प्ले एरिया है। आई डोंट नो ये तीन प्ले एरिया को छोड़ के और कितने प्ले एरियाज होंगे इस पार्क में, बट अभी के लिए लेट्स एंजॉय दिस वन। और ये प्ले एरिया एक्चुअली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत सारे एडवेंचरस गेम है यहाँ पे, जैसे कि ये जिप लाइन, खेलने के लिए अगर इतने सारे ऑप्शंस मिल जाए तो कौन सा बच्चा घर जाने के लिए राजी हो जाएगा। हमारे साथ भी वही हो रहा है, हम बहुत थक चुके हैं, बट सोम इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू गो होम। Somehow after an hour we managed to come out of this area. What did you do? Play in the park. When? I play with car. And then? Since like I play. Is it? And what else? तो हो गया है हमारा डे एंड। अभी बैटरसी पार्क भी घूम लिए, बच्चा भी मेरा खेल लिया बहुत कुछ, जू भी घूम लिए, अभी घर जाने का टाइम है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।